ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। झारखंड में नियोजन पदाधिकारी युवाओं को रोजगार देने में नाकामयाब रहे हैं। श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में ऐसे सभी पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। श्रम विभाग ने नियोजन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी जिलों के नियोजन पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था। झारखंड जिलों में नियोजन पदाधिकारी के जिम्मे युवाओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि नियोजन पदाधिकारी खुद युवाओं को बेरोजगार करने पर आमादा है, क्योंकि रांची जिला को छोड़कर अधिकतर जिलों में युवाओं को रोजगार देने का आंकड़ा लगभग न के बराबर है। राजधानी रांची के श्रम विभाग में कौशल विकास और नियोजन पदाधिकारियों के साथ सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह बैठक लगातार 4 घंटे तक चली। समीक्षा बैठक में ये बात छन कर आई कि लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला में आंकड़ा 10 से भी ज्यादा पार नहीं कर पाया। जब अफसरों से इसकी वजह पूछी गई तो नियोजन पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना की वजह से रोजगार मेला नहीं लग पा रहा। इस बात पर सचिव ने ऐसे सभी पदाधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। जो है ना, जो बच्चा जिनसे उम्मीदें ज्यादा होती है उन्हीं को डांटते हैं, क्योंकि सारे पदाधिकारियों से हम लोगों की काफी उम्मीदें हैं, तो ये उम्मीदों पे खरे उतरे, इसी के लिए आज की समीक्षा बैठक थी। तो मुझे पूरी आशा है कि अगली बार जो है ये सारे लोग अच्छा काम करेंगे। काम हो रहा है और 2-3 महत्वपूर्ण योजना भी सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक जो मुख्यमंत्री सारथी योजना, वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग 1 अप्रैल से 80 प्रखंड में विरसा केंद्र प्रारंभ करेंगे, जहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत एक नई बात चालू की गई है, जिसपे हम लोग काम करना है। जो वैसे लोग जो प्रशिक्षण कर लिए और उसके बाद उनका नियोजन नहीं हो पाएगा, तो उसे 50% लोग को प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। उसके अलावा एक काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो यहाँ के झारखंड निवासियों को 75% 40,000 तक के वेतन में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। समीक्षा बैठक में अफसरों को होमवर्क दिया गया कि अगली बार बहाना लेकर नहीं बल्कि काम दिखाएं। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी स्वीकार किया कि अफसरों में कमी है, लेकिन इस कमी को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। लोगों को प्राथमिकता है कि जो श्रमिकों का जो संसाधन है, जो सरकार का मापदंड है, सभी को लाभ मिले। और जो हम लोगों ने एक्ट बनाया है 75% युवा युवतियों को रोजगार से जुड़ना है, उसको सख्ती से लागू करना है। हम लोग कल भी मीटिंग रखे हैं, तो सभी निबंधन लगभग सब चालू हो गया है। कहीं 50% है, कहीं 25%, कहीं 30% है, तो हम लोग इसको सख्ती से लागू करेंगे। राज्य में सरकार चाहे किसी की भी हो, धरातल पर काम अफसरों की जिम्मेदारी से संपन्न होते हैं, लेकिन अफसोस राज्य के कई अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना पड़ता है, यह बार बार बताना पड़ता है कि यदि वो सरकारी खजाने से वेतन लेते हैं तो लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। वाकई में एक ऐसा मामला है जिसको लेकर एक अच्छी बैठक थी, लेकिन इस बैठक में अगर ये जानकारी मिलती कि हाँ नियोजनालयों से कितने लोगों को रोजगार मिला हो, तो क्या बात होती। या तो फटकार लगी है, लगनी भी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां है नहीं, और ऐसी बहुत सारी नौकरियों को लेकर ही तो नियोजनालय खुलते हैं। और अगर नौकरियां उनके जरिए मिले ही नहीं किसी को, तो ऐसे नियोजनालय और उनके पदाधिकारियों को इतने लंबे चौड़े जो उनको पैसे मिलते हैं, वेतन मिलता क्यों मिलता है। एक और 5 लाख की बात करते राज्य सरकार की, केंद्र सरकार 2 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन सबके बीच में ठगे कौन जाते हैं, हमारे युवा। और ऐसे नियोजनालय होने से तो अच्छा है कि वो ना हो। हमारे साथ अजय लाल जी जुड़ चुके हैं सीधा इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। अजय लाल जी, देखिए बहुत ही शानदार हम तो कहेंगे ये पहल था, जो फटकार लगी वाकई लगनी चाहिए कि आखिर इतने भारी भरकम सैलरी पगार पाने वाले अधिकारी किस बात के लिए नियोजनालय में बैठते हैं, जब वो नौकरी नहीं दे पाते युवाओं को। तो बिल्कुल पंकज, देखिए आज सूबे के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता जब समीक्षा बैठक कर रहे थे, उनको यह बात अधिकारियों को बोलना पड़ा कि आपके खाते में सरकारी वेतन किस तारीख को आ जाता है। अधिकारियों ने चुप्पी लगा दी। जाहिर सी बात है, 30 तारीख को या फिर महीने की पहली या दूसरी तारीख को सूबे के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके वेतन उनके खाते में सरकार वेतन डाल देती है। जवाब यह था कि क्या आपने उस वेतन के एवज में अपनी सेवा दी या नहीं दी। ये काफी गंभीर मामला है, न सिर्फ सूबे के श्रम मंत्री बल्कि लेबर सेक्रेटरी राजेश शर्मा को भी यह कहना पड़ा कि आप लोग बहाना बनाना छोड़िए, काम करके दिखाइए। साथ ही जो श्रमायुक्त हैं संजीव बेसरा, आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने एक अधिकारी से पूछा, लोहरदगा की बात है,
कि आपके जिले में लोगों को नियोजन के लिए कि क्या स्थिति है, क्या आंकड़ा है, जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं विभाग में नया आया हूं। संजीव बिश्रा ने जवाब दिया कि मैं भी 4 दिन पहले ही विभाग में आया हूं, श्रम विभाग में, तो क्या मैं अगले महीने बैठक करूं या फिर अगले साल। जाहिर सी बात है, कई प्रकार के बहाने बनाए गए। एक अधिकारी ने यह कहा कि कोविड की वजह से मैं रोजगार मेला नहीं लगा पा रहा हूं। लेबर सेक्रेटरी ने यह कहा कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि राज्य के मुख्य सचिव ने अपने पत्र के माध्यम से यह कहा है कि कोविड का गाइडलाइन खत्म हो चुका है राज्य में। मतलब लब्बू लुआब यह था इस बैठक का पंकज, कि अधिकारियों ने अपनी पूरी तरह से काहली दिखाई, निकम्मापन दिखाया। कायदे से जितने भी नियोजन अधिकारी हैं उनको अपने जिले में रोजगार मेला लगाना है। और एक जो अहम चीज और थी कि सूबे के लेबर सेक्रेटरी राजेश शर्मा ने यह कहा कि रोजगार मेले का आप लोग परसेप्शन बदलिए। बिल्कुल, जहां कहीं भी रोजगार मेले का आयोजन होता है, पहली बार में यह लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए कैंप लगाया गया है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लिहाजा कल एक और बैठक होगी जिसमें जितने भी उद्योगपति हैं झारखंड के, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया और कहा गया है कि आप राज्य की जो नौकरियां हैं वो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा दें, ताकि उनके अंदर ये चीजें लगे कि राज्य में एक ऐसी सरकार है जो युवाओं के बारे में सोच रही है, ऐसे लोगों के बारे में सोच रही है जिनकी बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं हुई है। शिक्षा सचिव ने यह भी कहा कि जो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो अपने स्तर से नौकरी खोज लेते हैं, लेकिन हमारा काम होना चाहिए कि ऐसे लोग जिनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा वैकेंसी है, आप वहां अप्लाई करें। यदि कोई आवेदन नहीं भर पाता है तो उसकी मदद करें। ये चीजें होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि अधिकारियों ने कहा है कि वो आगे से बेहतर काम करेंगे। अजला जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है, जैसे आपने बताया कि मतलब नियोजनालय में जो कामकाज जो चल रहा था फिलहाल, उससे जो है वो श्रम मंत्री काफी भड़के हुए थे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है कि वहां पर एक्सचेंज में जाकर युवा जाते हैं और फिर जो वहां पे अपना नाम एनरोल कराते हैं, या फिर जब रोजगार मेला लगता है तो वाकई में रोजगार मिलता है, फिर सब खाना पूर्ति हो रही होती है? नहीं कहा जा सकता पंकज की रोजगार मेले का ने औचित्य खो दिया है। अकेले रांची की बात करें, रांची का जो रिकॉर्ड है वो बेहतर रहा है। यहाँ जब कभी रोजगार मेले का आयोजन होता है, बड़े बड़े बैंक, बड़े मोटर कंपनियां, फूड गारमेंट्स, ये तमाम कंपनियों के लोग आते हैं और स्किल लेकर चले जाते हैं, युवाओं को नौकरी देते हैं। ये इस रफ्तार में तेजी होनी चाहिए। बजट राशि जो है लेबर डिपार्टमेंट का सबसे छोटा विभाग है, सबसे कम बजट इसका, बावजूद इसके आज की तारीख में मात्र 51% राशि खर्च हुई है। मतलब यह कि 49% राशि आपको खर्च करने के लिए सिर्फ जनवरी का 20 दिन, फरवरी का 28 दिन और जनवरी का 31 दिन, ये 3 महीने का वक्त बचा है। जाहिर इस बात को भी नाराजगी थी कि आपने बजट की राशि खर्च क्यों नहीं की। तो कुल मिलाकर ये देखा गया कि अधिकारियों में जो फुर्ती होनी चाहिए, जो उनके अंदर एक अपने आप से स्वतः मोटो होना चाहिए कि मैं मुझे कुछ करना है युवाओं के लिए, इस राज्य के लिए, उन चीजों का अभाव देखा गया और उसी बात को लेकर अधिकारियों को फटकार लगी। मैं तारीफ करना चाहूंगा सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को, जिन्होंने बगैर किसी लाग लपेट के कहा कि आप वेतन लेते हैं तो काम करके भी दिखाइए, इस राज्य से आपको आपके आपको अपेक्षा है, राज के लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े जलाल, आपने जानकारी दी, बताया कि कैसे श्रम मंत्री इस मामले को लेकर बहुत ही संजीदा है, गंभीर, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से एक समान इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस तरीके से वहां की प्लेसमेंट एजेंसियां काम करते, ठीक उसी तरीके से अधिकारी हमारे काम करें। कंपनियों को लेकर यहां पर आए, जब रोजगार मेला लगे तो कोई छोटी मोटी नहीं, ठीक ठाक कंपनी, अच्छी कंपनी आए ताकि बेहतर जो है वो रोजगार मिल सके हमारे युवाओं को, और अच्छे प्लेसमेंट एजेंसी जैसे एजेंसी काम करती है उसी तरीके से बड़े बड़े पैकेज पे वो जाए, ये कोशिश होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया जलाल हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी और श्रम मंत्री के इस पहल के बारे में आपने बताया दर्शकों को, शुक्रिया आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।